आत्मासन.com के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, 30 मार्च से 3 दिनों के लिए इंदौर में रहेगा टोटल लॉकडाउन। पेट्रोल पंप सहित किराना, सब्जी और दूध की दुकानें नहीं खोली जा सकेगी। सड़कों पर कोई भी वाहन नहीं चलेगा। दोपहिया चार पहिया वाहन किसी भी स्थिति में सड़क पर नहीं दिखाई देंगे। जिन घरों में कोरोना के मरीज मिले हैं उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। शहर में मजदूर वर्ग बेसहारा और बिना छत के नहीं रहेगा। इंदौर में हुई बैठक में आईजी विवेक शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा, सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संभागायुक्त त्रिपाठी ने कहा है कि टोटल लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले और कोरोना की सैप्लिंग में बाधा डालने वाले और स्वास्थ्य विभाग की टीम से असहयोग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि एक स्थान का चयन कर खुली जेल घोषित की जाएगी। गमासन.com की ओर से मैं राज राठौर आपसे अपील करता हूं कि प्रशासन का सहयोग करें और अपने घरों में रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।